नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के लाटगंज थाना अंतर्गत सुपर बाजार स्थित एक गोल्ड ज्वेलरी शोरूम से 4 दिन पहले 6,30,00,000 रुपए की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 15 अगस्त की देर रात हुई चोरी की इस वारदात में पुलिस ने आरोपियों पर सिर्फ 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। इनाम की ये राशि सराफा एसोसिएशन को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी तरफ से 2,51,000 रुपयों के इनाम की घोषणा कर दी। जबलपुर सराफा एसोसिएशन के सदस्यों ने जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा से मुलाकात कर उन्हें बताया कि वह लोग अपनी तरफ से 2,50,000 का इनाम देने का ऐलान किया। साथ ही पुलिस से मांग की है कि वारदात की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाए। सराफा व्यापारियों ने एसपी को बताया कि इस वारदात के बाद से सभी सराफा व्यापारी सहमे हुए हैं। बता दें कि जबलपुर के सुपर बाजार स्थित पायलवाला गोल्ड शोरूम में 15 अगस्त की देर रात ये चोरी हुई थी। 10 तालों को तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी इतने शातिर थे कि वो अपने साथ 6,50,000 के जेवरातों के अलावा शोरूम में लगा सीसीटीवी और उसकी रिकॉर्डिंग वाली हार्ड डिस्क भी चुरा ले गए। अज्ञात चोर दुकान के साइड वाले चैनल गेट को काटकर अंदर घुसे और फिर एक के बाद एक तकरीबन 10 तालों को काटा। इसके बाद दुकान में रखे तकरीबन 6,00,000 से अधिक के जेवरात लेकर फरार हो गए। 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जबलपुर पुलिस के आरोपियों का सुराग नहीं मिल पाया। ऐसे में जबलपुर सराफा एसोसिएशन ने ज्वेलरी शॉप्स के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। ये थी आज की खबर। और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।